दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष मनमोहक अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छा टिप्स देने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाला और अच्छी सलाह देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर आना, गिर करके ऊपर की ओर उठना, व्यक्तित्व विकास करना, पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर प्रतिदिन नए नए विषयों पर प्रतिपादन किया जाता है। इसी क्रम में आज का एक बहुत सुंदर विषय है जो कि हमारे प्रतिदिन के जो है बोलचाल से जुड़ा हुआ है, प्रतिदिन की कार्य प्रणाली से जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा विषय वाणी संयम। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, थोड़ा हमारा जो शरीर है उसके बारे के अंदर जो हम थोड़ा विचार विमर्श करें कि जो ये मेरा शरीर आपको दिखाई दे रहा है, एक तो शरीर हो गया, अब शरीर से मैं आगे चलता हूँ तो पांच इंद्रियाँ हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणी, और इंद्रियों के आगे चलता हूँ तो मन है, मन के आगे चलता हूँ तो बुद्धि है, बुद्धि के आगे चलता हूँ तो चित्त है, चित्त है वो आत्मा की शक्ति, आत्मा की चेतना की शक्ति को चित्त कहा जाता है। और होलिस्टिक रूप के अंदर बात करूँ तो आत्मा होती है, आत्मा पूरे शरीर के एक एक कण में व्याप्त है और आत्मा जो है वो अपनी शक्ति एक एक कोशिका को देती है, 60 खरब कोशिका को जो शक्ति देती है वो कर्ण वीर्य कहलाती है, और आत्मा की खुद की जो शक्ति हो लब्धि वीर्य कहलाती है। दार्शनिक पक्ष में उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मेरा मूल विषय वाणी संयम है। अब आप देखिए कि हमने ये पूरा चित्रण किया, इसके अंदर मन की बात आई थी, तो मन, वचन और काया, ये तीन चीजें ऐसी है जिनसे इस पूरे जगत का, चराचर जगत का व्यक्ति जो है वो बाह्य लौकिक जगत के अंदर पूरा वार्तालाप करता है, उसके अनुसार बातचीत करता है और उसके अनुसार जो है अपनी दिनचर्या करता है और उसी के अनुसार अपना जीवन संपन्न करता है। अब तीनों काम कार्य देखें, पहले मन, मन का कार्य क्या है कि मन के दो कार्य है, पांच जो इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, स्वाद देखना, चखना, सूंघना, स्पर्श करना, ये पांच विषय जो है ये इंद्रियां अपना अपना काम करके और मैनेजर मन को दे देती है। अब मन के लिए कहा जाता है कि मन एब्सोल्यूट पौद्गलिक है, मन एब्सोल्यूट टेम्परेरी है, मन को मिटाना और अमन होना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और अमन होने से ही व्यक्ति मोक्ष की अवस्था तक जाता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है जब अमन हो जाता है। और मन के लिए कहा जाता है कि मनन के समय मन होता है, मनन के बाद मन नहीं होता, मनन के पहले मन नहीं होता, मात्र जब हम मनन करते हैं, when we start thinking, then our thinking process start, our thought process starts. So this thinking procedure is created whenever we start talking, when we start thinking. So अभी देखिए, ये तो हो गया मन का कार्य। मन दो तरह कार्य करता है, पांच इंद्रियों के विषय के ऊपर मैनेजमेंट करता है, संयोजना करता है, और उसके अलावा भी मन का एक दूसरा कार्य और है। वो कार्य क्या है कि वो भूतकाल के अंदर जा सकता है तो भूतकाल की स्मृति करता है कि मैं 10 वर्ष का यहाँ था, वहाँ रहता था, ऐसे पढ़ता था, ये कार्य करता था, और कई बार भविष्य के अंदर चला जाता है कि मैं आने वाले 10 सालों के अंदर ऐसा बनूंगा, ऐसा करूँगा, ये करूँगा, और वर्तमान के अंदर अपना जीवन जी रहे हैं, जैसे कि आज मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, चैनल 24 पर आपको प्रवचन दे रहा हूं, ये हो गया वर्तमान का काम। तो ये तीन मन के काम होती है, मन लेकर के बुद्धि को दे देती है। देखिए, इस विषय के अंदर गहराई में नहीं जाना चाहता मैं, तो मन के बाद आता है मन, वचन, और तीसरी काया मतलब शरीर, जिसका विवेचन मैंने किया। अब वचन मेरा आज विषय है वाणी संयम। कोई भी व्यक्ति किसी से वार्तालाप करेगा तो वाणी, भाषा, शब्द, बोली उसके आधार पर करेगा। अगर मैं चुपचाप बैठा रहूं, आपसे वार्तालाप नहीं करूं, तो आप मेरा प्रवचन कैसे सुनोगे, आप मेरा एपिसोड कैसे सुनोगे। तो ये भाषा ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ता है, उससे विचार विमर्श होता है, उससे वार्तालाप होता है, उससे इंटरेक्शन होता है, उससे बातचीत निकलती है और कोई भी कार्य सिद्ध होता है। और वाणी के लिए कहा गया है, ऐसी वाणी बोलियर मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। मतलब मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि खुद एकदम ठंडक पहुंच जाए, बॉडी के अंदर ठंडा हो जावे, कूल हो जावे, और सामने वाला
फूल जाए, सामने वाला बड़ा प्रसन्न हो जावे, वो चिंतन करे कि ये व्यक्ति तो और बोले तो अच्छा है, ये अमृत बरसा रहा है। तो वाणी हमें कैसी बोलनी चाहिए? अमृतमयी वाणी बोलनी चाहिए, कठोर भाषा नहीं बोलनी चाहिए, कर्कश भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और टॉन्टिंग वे के अंदर नहीं बोलना चाहिए, किसी को दुख देने वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए, किसी को हीन समझने वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए, सीधी सीधी सरल सरल मीठी भाषा बोलनी चाहिए। और भाषा क्या है? मितभाषिता होनी चाहिए, कि मतलब जितना बोला जाए कम बोला जाए, गागर के अंदर सागर भरा जाता है। ये कहावत है कि एक बात को जो है हम एक मिनट में भी कह सकते हैं, एक घंटे में भी कह सकते हैं, और एक दिन में भी कहा जाता है। अगर हमारे पास में एक मिनट का समय हो, उस बात को हम शॉर्ट एंड स्वीट कह करके एक मिनट के अंदर उस बात का हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तो हमारी भाषा की जो है शैली शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए, वो मितभाषिता होनी चाहिए। जो लोग वाचाल होते हैं बहुत अधिक बोलते हैं, बहुत अधिक बोलने वालों की प्राण शक्ति खराब होती है, और अधिक जो लोग बोलते हैं वो बोलते बोलते कई बार कुछ गलत सलत शब्द भी निकल जाते हैं, अगले को ठेस पहुंच सकती है, उसको जो है वो मानसिक रूप से पीड़ा हो सकती है, दुश्मनी हो सकती है। तो हमें वाचालता नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि व्यक्ति को समाज में रहना है तो बोलना भी पड़ेगा। अगर व्यक्ति 24 घंटे मूक अवस्था में रहे, या जो बचपन से ही बेचारे गूंगे होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो उनकी स्थिति तो अलग है। तो इसीलिए एक कबीरदास जी ने कहा भी कहा है, आत्म अनुभव बात की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई कहे, कहे कौन मुख स्वाद। आत्मा के अनुभव की बात के लिए ही अनुभव की बात कबीरदास जी ने कहा है, गूंगे को हमने गुड़ दे दिया और उसको कहा कहा जाए तो स्वाद बता, तो बेचारा बोल नहीं पाता, उसकी भाषा नहीं है, तो वो क्या स्वाद बताएगा, आ आ आ आ ऐसे करता रहेगा। तो इसीलिए आत्मा के, आप मुझे कहो कि आत्मा की आप बात करते हो, आत्मा को मेरे हथेली पर दिखाओ तो बात मानूं। भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोता, आत्मा अमूर्त है, आत्मा दिखाई नहीं, आत्मा अशरीरी है, वो अनुभव की जा सकती है। जैसे कि मेरे शरीर के अंदर कोई दबा करके इस तरीके से चूंटियां भरे, तो मुझे अनुभव होता है कि मेरे शरीर में आत्मा है, या अगले जिसको भरा जाता है आत्मा अनुभव, इसलिए आत्मा अनुभव गम्य है। तो ये बात, मतलब ये है कि हमें जो है हमें व्यवहार जगत में रहने के लिए वाणी का इंटरेक्शन करना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए, वाणी के ऊपर, वाणी संयम की बात कही जाती है। संयम का अर्थ होता है कि मितभाषिता, इतना ही बोलो जितना की आवश्यक हो, और संयमा खलु धर्म साधनम, संयम के द्वारा ही धर्म होता है, और संयम ही धर्म है ये कहा जाता है। तो हमें संयम के अनुसार काम करना चाहिए, कि मतलब ये है, हम घर के अंदर अगर रह रहे हैं तो हमारे दूसरे जो हमारे उसके साथ में रहने वाले पारिवारिक सदस्य है, उनके साथ में सौहार्दपूर्ण हम भाषा बोलें, सरल भाषा बोलें, और किसी को कटुता लगे वैसी भाषा, टॉन्टिंग वे के अंदर हम भाषा नहीं बोलें। अब वाणी के लिए देखिए, एक शब्द बोला जाता है, एक शब्द के सैकड़ों अर्थ होते हैं, हजारों अर्थ होते हैं, लाखों अर्थ होते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि अंग्रेजी का जो रन शब्द है वो 108 तरह से उपयोग में लिया जाता है। ये हर शब्द के साथ में है, जैसे कि हमारा 0 से लगा के 9 तक के जो अंक है ना, उस अंकों से, ये अंक तो दिखते तो 9 ही हैं, लेकिन ये 9 अंकों से हम 9 करोड़ 9 अरब की जनसंख्या, हम जो उसकी संख्या भी, हम जो संख्या बना सकते हैं। उसी तरीके से शब्द अल्फाबेटिकल ए से जेड तक के अंदर 26 अक्षर या बारकड़ी के अंदर जो है लिमिटेड अक्षर है, लेकिन इन अक्षरों की संयोजना की जाती है तो पूरे के पूरे ग्रंथ लिख दिए जाते हैं, और उसका पूरा भंडार पैदा हो जाता है। हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं ये वाणी के माध्यम से लिखे गए हैं, क्योंकि वाणी बोल करके, और शब्दों की वाणी का अर्थ होता है कि हमारे शब्द से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए,
हम जो बोलते हैं ये सारा बोल करके मन जो है ये सारा बुद्धि को देता है। अब बुद्धि क्या करती है, उसका विवेक काम आता है कि जो मन के अंदर सोचा गया है, जो इंद्रियों से लिया गया है, उसके ऊपर वो किस तरीके से न्याय करता है। अगर मान लो सद्बुद्धि है उसका अच्छा उपयोग करेगी और कुबुद्धि है उसका दुरुपयोग करेगी। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारे हाथ के अंदर चाकू है, उस चाकू से जो है हम फ्रूट काट सकते हैं, सब्जी काट सकते हैं, रस्सी काट सकते हैं, कोई भी कार्य चाकू से किया जा सकता है। लेकिन बुद्धि का कोई दुरुपयोग करे तो उसी चाकू से किसी का मर्डर किया जा सकता है, पेट फाड़ा जा सकता है। तो ये विवेक के बाद की होती है, विवेक धम्म, ये विवेक ही धर्म है। बहुत बड़ा सूत्र हमारी भारतीय संस्कृति में दिया गया है कि जो धर्म किसे कहा जाता है, विवेक को ही धर्म कहा जाता है, कि आप किस तरीके से अपनी कॉमन सेंस लगाते हो, किस तरीके से सोचते हो, वही धर्म है। क्योंकि अगर हम जैसे वाणी के संबंध के अंदर देखें, ये वाणी के अंदर जहर है और वाणी के अंदर ही अमृत है। हम कई लोग ट्रेन के अंदर मान लो सफ़र कर रहे हैं और हमने बड़ी प्रियता के साथ किसी से वार्तालाप किया, कोई धार्मिक हमने ईश्वर की बात को छेड़ा, तो वो लोग चाहेंगे कि ये व्यक्ति जो और वार्तालाप करे और हमारा वार्तालाप आगे से आगे बढ़ता जाएगा। उसकी जगह अगर जो हमने तू तू मैं से स्टार्ट किया, मेरी सीट है, आप कैसे बैठ गए, ये सीट के ऊपर जो है मैं सोऊंगा, तो वो कह रहा भाई ये दिन का समय है, सोने का समय नहीं है, तीन लोगों के बैठना, यूं करके तू तू मैं हो गई, तो वो भी वाणी के द्वारा होती है। जितना तू तू मैं होता है दुनिया में, सब वाणी के द्वारा होता है। और दुनिया के जितने लड़ाई झगड़े होते हैं उसके पीछे ये वाणी कार्य करती है। और वाणी के द्वारा तो कई कई जन्मों का बैर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति बाण छोड़ दे उसको, उस बाण को तो जो है वो हीलिंग करके उसका घाव भर कर, लेकिन जो वाणी के शब्द का जो बाण छोड़ा जाता है वह कई जनरेशन्स तक जो है, कई कई जन्मों तक जो है हमको बीन रहता है और हमारी शत्रुता पैदा करता रहता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना सुंदर विषय जो है इस चैनल के अंदर रखा गया वाणी संयम का, यानी वाणी हमारा माध्यम है। हम चुप रह करके भी अपना जो है वो कार्य नहीं कर सकते, अधिक बोल करके भी कार्य नहीं कर सकते। अधिक बोलेंगे तो आपस में तू तू मैं मैं होगी, झगड़ा होगा, फिसाद होगा। लेकिन वाणी का संयम करके जितनी आवश्यकता हो उतना बोला जाए, मीठा बोला जाए और मृदु बोला जाए, सत्य बोला जाए। ऐसी वाणी भी नहीं बोलना चाहिए किसी को कष्ट हो। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना चरणीयम, आप एकदम सत्यवादी हैं, सत्य एकदम सही बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा सत्य कह दिया कि किसी की जान तक ले ले, कोर्ट के अंदर ऐसा सत्य बता दिया, किसी की जान तक ले ले, किसी का अहित कर ले, किसी को सजा दिला दे, तो उसके लिए जो हमारी भारतीय संस्कृति कहता है, कहती है कि ऐसी वाणी भी नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ की उपेक्षा कर देते हैं, चुप जो है सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है। कोई व्यक्ति किसी की भलाई कर रहा है या बुराई कर रहा है, उसके अंदर हम तटस्थता रखते हैं, उसके हम जैसे पार्टीबाजी में क्या होता है कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, बीजेपी ऐसा कर रही है, अब हमारे कोई लेना देना नहीं, हम किसी भी पार्टी में नहीं, हम सामान्य व्यक्ति हैं, अपने बाल बच्चों को पालते हैं और अपना घर गृहस्थी चलाते हैं और समाज का काम करते हैं, मानव हित का काम करते हैं, हमें इन चीज़ों से क्या लेना, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो है परोपकार है, हमारा विषय पार्टीबाजी नहीं है। लेकिन दो व्यक्ति जो है अपनी अपनी पार्टियों को अच्छा दिखाने के लिए वो आपस के अंदर वार्तालाप कर रहे हैं, अनर्गल कर रहे हैं, और आपने बीच के अंदर टांग अड़ा दी, आपने कोई बीच में कमेंट्स कर दिया, तो दोनों के भी एक को अच्छा लगा एक को बुरा लगा, तो क्या वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आप उस लड़ाई के भागीदार बन जाएंगे। तो उस वक्त के अंदर चुप रहना चाहिए। चुप्पी कई बार होता है, चुप्पी बहुत बड़ा कार्य कर जाती है। कई बार क्या होता है, देखिए कोई व्यक्ति क्रोध के अंदर है और वो अनर्गल बोलता जा रहा है और आपने उसकी बात का जो है जवाब दिया, तो वो आपने एक बात कही तो वो चार बातें जवाब में देगा, और आपने चार बात कही तो आठ बात जवाब देगा। तो इस तरीके से ये तू तू मैं चलता रहेगा, और दुनिया में वास्तव में यही हो रहा है। आज हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये वाणी असंयम की वजह से सारे वार्तालाप हो रहे हैं।
कि एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहा है, एक धर्म जो है दूसरे धर्म के ऊपर जो है वो कीचड़ उछाड़ रहा है, उसकी निंदा कर रहा है। तो देखिए, हर एक को अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, और लेकिन वो वाणी के द्वारा निंदा करता है, उसका धर्म ऐसा है, उसके धर्म ने ऐसा कहा, ये कहा, तो दूसरे वाला उसका प्रतिकार करता है, और उन दोनों के धार्मिक द्वंद्व के कारण तो है बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, झगड़ा फिसाद हो जाता है, गाड़ियां फूंक दी जाती है, और जन धन की हानि हो जाती है, और बड़ी हिंसा हो जाती है। तो ये किससे होता है? हिंसा वाणी के द्वारा होती है। कई ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो कि पब्लिक को उकसाते हैं, तो वो किससे उकसाया जाता है? वो वाणी के द्वारा उकसाया जाता है। किसी को गलत बोला जाता है, किसी पर कटाक्ष किया जाता है, लेकिन ऐसे समय में हमें वाणी का संयम रखना चाहिए, हमें उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। बोल रहा है तो वो उसका परिणाम वो भुगतेगा, हम बीच के अंदर क्यों जाएं? और जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति पैदा होती है तो मृदुता के द्वारा, देखिए जब आग का कार्य क्या काम है, वो जलाना, आग के लिए कहा जाता है कि आग के अंदर जो है सूखे भी जलते हैं और आले भी जलते हैं। आग लग गई तो दावाना लग गया तो पूरे पेड़ चाहे सूखे हों चाहे आले हों वो सब जलते हैं। तो आग का काम भस्म करना होता है। उसी तरीके से ये वाणी की आग, ये वाणी के बाण जब जलते हैं तो बड़े खतरनाक होते हैं, और ये बहुत बड़ी जो दुर्घटना, यानी सामुदायिक, ये कहना चाहिए कॉम्यूनल जो है ना वो राइट्स पैदा कर देते हैं। कॉम्यूनल जो है झगड़े पैदा कर देते हैं, जैसे कि मुस्लिम का, हिंदू का। अब ये तो दोनों अपनी अपनी जातियाँ हैं, हिंदुस्तान में बहुत सी जातियाँ हैं, और लेकिन इंसानियत की बात करें तो हम सभी इंसान हैं, लेकिन वाणी के द्वारा जो है, असंयम के द्वारा जो है, उनको भड़का करके और एक कम्युनल जो है वो बात बना दी जाती है। तो ऐसे समय के अंदर जो है हमें पूर्ण सावधानी बरतना चाहिए कि हम शांत रहें। जितनी हम जो है अपना चुप रहने की बात करेंगे, शांत रखने की बात करेंगे, उतना अच्छा होगा। हमारी संस्कृति के अंदर ये बताया गया है कि हमें तीन तरह की फैक्ट्रियों का उपयोग करना चाहिए। हमारी जो माइंड है ना, जो कि जिसके हम चिंतन करते हैं, उस पर बर्फ की फैक्ट्री को बिठा देना चाहिए, यानी माइंड बिल्कुल कूल रहना चाहिए, और हमारी जबान जिससे कि बोला जाता है, जो आज का विषय है, इस पर शुगर फैक्ट्री होनी चाहिए। इसका मतलब है मिठास होना चाहिए वाणी के अंदर। हमारा जितना मिठास होगा, हमारे सभी मित्र बनेंगे। आज जब दुनिया के अंदर जाइए, व्यक्ति कहीं भी चला जाए तो अच्छी वाणी बोलता है तो वसुधैव कुटुंबकम सारे उसके सदस्य हो जाते हैं, सारे उसके मित्र हो जाते हैं। और वो व्यक्ति अगर मान लो कि भाषा का गलत उपयोग करता है, लड़ाई झगड़े कराता है, और बोलने में असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, निंदा बोलता है, गालियां बोलता है, तो सभी उसके विरुद्ध के अंदर हो जाते हैं और वो अपनी दुश्मनी पैदा कर दी जाती है। इसीलिए कहा जाता है इसी वाणी के अंदर जो है जहर भी और अमृत में। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम अब निष्कर्ष की बात करते हैं। हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम जो टिप्स देता है, जो कार्यक्रम रखता है, जो कोई भी बात बताई जाती है, एपिसोड है, हम उसके बारे में चिंतन करते हैं लास्ट के कुछ समय के अंदर कि निष्कर्ष क्या है, इसकी सामाजिक उपयोगिता क्या है, वाणी संयम को रखने से व्यक्ति को क्या लाभ है, समाज को क्या लाभ है, देश को क्या लाभ है, विश्व की 7 अरब जनसंख्या को क्या लाभ है। मैं इस एपिसोड के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर वाणी संयम का व्यक्ति जो है अच्छी तरह से देखभाल करे और वाणी संयम को हृदयंगम कर दे, तो उसको कोई तरह के झंझट, फिसाद, उसकी मेंटल पीस कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि वो इतना ही बोलेगा जितना आवश्यक होगा, उतने समय के अंदर वो चुप रहेगा, किसी की बात उसको नहीं जचेगी तो चुपचाप रहेगा, इधर से सुनेगा, इधर से। कई बार ये बहुत बड़ा अच्छा होता है कि इधर से सुनकर इधर निकाल देना चाहिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। प्रतिक्रिया विरति, जितनी जितनी हम प्रतिक्रिया करते रहेंगे वाणी की, वाणी के द्वारा, उतना उतना तू तू मैं उतना उतना कटाक्ष चलता है। इसी प्रतिक्रिया विरति की जो है बात हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, कार्यक्रम ऐसा है जो प्रतिदिन नए नए विषय, नई नई बातें, नए नए दृष्टिकोण, नए नए एंगल्स के साथ में बात की जाती है, चाहे स्वास्थ्य के संबंधी बात हो, चाहे धार्मिक की बात हो, चाहे भौतिक जगत की बात हो, चाहे व्यवहार जगत की
की बात हो, चाहे शिक्षा जगत की बात हो, हमारा उद्देश्य जगत कल्याण करने का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, हम ऐसी ऐसी बातें बताएं कि समस्त प्राणी मात्र, मनुष्य 7 अरब की जनसंख्या नहीं, प्राणी मात्र को कोई भी कष्ट न हो, प्राणी मात्र बड़े आनंद के साथ में शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जीवन यापन करे। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो, आप सताई हो, दीर्घायु हो और खूब समाज की सेवा करते रहें, परोपकार करते रहें। आपके प्रति मंगलमय।